बढ़िया बढ़िया ना? मैं बढ़िया हूँ। दोबारा सुनना नहीं, कम उसका कान पर मैं एक्चुअली तीन कैटेगरीज में हूँ नॉमिनेटेड एंड आई हैव नो आइडिया कि मुझे कौन सा मिलने वाला है। और मैं बस एक्चुअली एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं यूजुअली जैसी होती हूँ अवार्ड फंक्शंस में, बिकॉज अवार्ड मीन्स अलॉट टू मी, सो आई एम जस्ट एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। वो एक मोटिवेशन बनता है मेरे लिए ताकि मैं और बेहतर काम करूँ। जब भी अवार्ड मिलता है उसके बाद किस तरह से आगे की आप सोचते हो, हाउ प्रेशर रहता है अवार्ड मिलने के बाद उसको किस तरह? मैं एक्चुअली उसको थोड़ा पॉजिटिवली लेती हूँ, मैं प्रेशर नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है कि वो मैं से उसे मोटिवेशन लेती हूँ कि अभी मुझे जो भी काम मिलेगा, मैं जो भी काम नेक्स्ट करूँगी वो उसमें मैं अपना 1000% दूँ। मैं तो एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि इतना प्यार लाते कहाँ से सबसे पहले मुझे देने के लिए, मतलब कमाल है। सो बिकॉज आई कैन नेवर इमेजिन कि मैं किसी को इतना ज़्यादा चाहूँ और उनके पीछे इतना दिल से लग जाऊँ। आई कैन नेवर इमेजिन माई सेल्फ डूइंग दैट, पर मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बिग बॉस को देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इमली जब चालू हुआ था, इमली के बाद भी पीपल न्यू मी, दे वर लाइक कि हाँ दे नो मी, बट आफ्टर बिग बॉस दे डोंट नो मी बाय इमली, दे नो मी बाय माय नेम। सो दे लाइक अभी जो लोग सुंबल से जानते हैं तो वो एक अलग खुशी है कि अब लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं बिग बॉस के बाद। सो एक क्रेडिट जाता है बिग बॉस को। मुझे लगता है कि मैंने अगर कुछ डिस्क्लोज़ किया तो मेरी बैंड बच जाएगी, तो मैं फ़िलहाल कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। आई कॉन्ट से दैट। म्यूज़िक वीडियो तो आने वाला है, दैट आई टोल्ड पहले भी सेड, पर उसके अलावा जो प्रोजेक्ट है वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, तो मेरी सच्ची में वाट लग जाएगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है। मुझे जब देना था मैंने दे दिया, अभी मुझे नहीं देना। थैंक यू।